गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंजाब मैरिटोरीअस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे विच अज जिहड़ा टॉपिक मैं लिया है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स चैप्टर 3। बेटा तुहाडी बुक्स दे विच चैप्टर 3 है धातां अते अधातां। इस दा अज मैं पहला पार्ट लिया है बेटा। एंड टुडेज कोट इज़ इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फस्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। बेटा जिहड़े बंदे कोशिश करते हैं उही सफल होंदे है। जे असी इसे गलों तो कोशिश ना करिए कि असी असफल हो जाना है जां असी फेल हो जाना है तो जिंदगी च कदी राइज नहीं कर पावांगे। सो ट्राई योर बेस्ट। सो विद पॉजिटिव वाइब्स लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ मैटल्स एंड नॉन मैटल्स धातां ते अधातां ऑफ पंजाब मैरिटोरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेरी गुड एफर्ट्स बाय पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब जलंधर, जिन्हां ने घर बैठे तुहानूं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देन दा बेड़ा उठाया है। लेट अस स्टार्ट विद मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। बेटा सब तो पहले इच मैं तुहाडे नाल गल करांगी। जल्दी जल्दी आपां धातां ते अधातां च डिफरेंस कर लैना है। बेटा धातां ते अधातां च जिहड़ा डिफरेंस असी करना है वो जिहड़ा पेपर च बेसिकली आना है वो ये नहीं आना कि धातां की हन जां अधातां की हन। जो पेपर च तुहानूं आना है एक्सेप्शनस आनी है। एक्सेप्शन समझदे हो कि जे कोई धात चालक है जां कोई अधात अचालक है तो वो केड़ी है जिहड़ी चालक भी हो सकती है। समझ लगी तुहानूं कुछ? जिद्दां मैं गल करां कि जिहड़ियां सारियां मैटल्स है वो रूम टैंपरेचर ते सॉलिड हुंदियां हन। लाइक रूम टैंपरेचर ते ठोस हुंदियां हन धातां। पर केड़ी धात है जिहड़ी रूम टैंपरेचर ते ठोस नहीं हुंदी। अधात दी गल करां तो सारियां अधातां चमकदियां नहीं हन। पर केड़ी अधात है जो चमकदी है? एक्सेप्शनस पेपर्स ज़्यादा पूछियां जाणगियां। ठीक है बेटा, पहले थोड़ा जिहा आपां डिफरेंस इन्हां दा क्लीयर कर लीए। धातां खारे ऑक्साइड बनाउंदियां हन। खारे मीनस जिहड़े हुंदे ने बेसिक ऑक्साइड्स। अधातां तेजाबी अते उदासीन ऑक्साइड बनाउंदियां हन। धातां तेजाब नाल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नूं विस्थापित कर दिंदियां हन। अधातां तेजाब विचों हाइड्रोजन गैस नूं नहीं विस्थापित करदियां। धातां धनात्मक चार्ज युक्त ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ बहुत अच्छी एग्जाम्पल है साडी सोडियम दी Na पॉजिटिव। ठीक है, अधातां ऋणात्मक चार्ज युक्त ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। धातां क्लोरीन नाल क्रिया करके क्लोराइड ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ सोडियम ਦੀ एग्जाम्पल ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ NaCl। जबकि अधातां क्लोरीन नाल मिलके क्लोराइड ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਕ ਜਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਾਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है ना, जबकि अधातां जिहड़ियां हैं वो सह संयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड बनांदियां हन। धातां दे पिघलाऊ अंक ते उबाल अंक काफ़ी वध हन। इहदे करके बेटा आपां उहनां नूं काफ़ी चीज़ां 'च यूज़ करदे आ। अधातां दे पिघलाऊ अंक अते उबाल अंक काफ़ी घट हन। धातां आम तौर ते कठोर हुंदियां ने। पर जिद्दां सोडियम ते पोटाशियम है इन्हां नूं आपां कहने आ कि आपां चाकू नाल कट सकदे हां। इन्हां दी कठोरता भिन्न भिन्न हुंदी है। पर हीरा इत्थे एक्सेप्शनस है। हीरा सब तो कठोर पदार्थ है। धाता की सापेक्ष घनता वध हुंदी है। पर Na अते पोटाशियम इसके उही अपवाद हैं कि उन्हां दी प्रॉपर नहीं है। अधाता की सापेक्ष घनता आम तौर पर घट हुंदी है। धातां अपारदर्शी हुंदियां हन। अधाता पारदर्शी हुंदियां हन। धातां आवाज़ पैदा करदियां हन जिन्हां नूं आपां कहने सोनोरस। सोनोरस ठीक है ना, आपां कहने सोनोरस है जिद्दां तुहाडे स्कूल दी बैल। ठीक है, पर इत्थे आपां की गल करांगे अधातां जिहड़ियां आवाज़ नहीं पैदा करदियां। होर भी आपां कई डिफरेंस कर सकदे आ। लाइक किदां आपां कर सकदे आ कि जिद्दां धातां है उन्हां नूं आपां शीट्स च बदल सकदे आ, वायरस च बदल सकदे आ। कॉपर बहुत वधिया एग्जाम्पल है। अधातां नूं इदां नहीं कर सकदे। वो सारियां प्रॉपर्टीज़ ते तुहानूं पेपर च क्वेश्चन पूछे जाणगे। पर उस तो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं कोड याद करवाना। बेटा तुसीं लड़ी किते देखी होनी जरूर तुसीं अपनी बुक्स दे विच जिन्हां नूं आपां क्रियाशीलता लड़ी कहने। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ी है। क्यों? क्योंकि इहदे विच तुहानूं इह दस्सिया गया है कि किहड़ा जिहड़ा तत्त है वह सब तो वध ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ है तो किहड़ा जिहड़ा तत्त है वह सब तो घट ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ है। सब तो उपर ध्यान ना देखो तो जिहड़ा तत्त है वह सब तो वध ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ है जिन्हों असी पोटाशियम कहने हाँ, ठीक है बेटा। इनू आप सोडियम कहने कैल्शियम। जिदा जिदा तुसी थले आओगे ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ सब तो घटती जाऊगी। इहदा कोड मैं तुहानूं याद कराना है, K फॉर पोटाशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर योर कैल्शियम, Mg फॉर मैगनीशियम, Al फॉर अलमीनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन। बेटा इत्थे टिन है जो तुहाडी बुक्स नहीं है पर यूजली ये हुंदा है। कोड कुछ इस तरह से, इसलिए मैं इत्थे टिन लिखता है जिहदा सिंबल SN हुंदा है। PB इज़ योर lead, H is hydrogen, Cu is copper, Hg is mercury, Ag is silver ते Au is gold। जल्दी जल्दी इहदा कोड पढ़ांगी ते तुसी कॉपियां ते नोट कर लो। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, केड़ी मांगी? ऑल्टो ज़ेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी। सनी लियोनी पादुकन है, सनी लियोनी दा तां पता है जी तुहानूं, पादुकन है। हुण तुहानूं पता है AU हुंदा सोना, AG हुंदा चांदी। रोज़ आपां टीवी ते ऐड देखदे हां। नीचे तो आ जाओ, इत्थों आपां नीचे तो आ जाइए। सोना चांदी हनी चवन प्राश, इत्थों आपां नीचे तो उत्तों आ जाना सी। सोना चांदी हनी चवन प्राश। बेटा ये ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ लड़ी दी की गल है? जिहड़ी ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ लड़ी है, जिहड़े तत्त उपर है वो नीचे वालियां नूं ईजली डिसप्लेस कर देंदे आ उन्हां दी जगह तो। इत्थे बहुत जिहड़ी कॉमन जी आपां एग्जाम्पल लैंदे आ वो तुहाडे लई मैं लिख रही हाँ, Fe प्लस CuSO4। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इत्थों ये कंसैप्ट तां समझाना चाहनी कि इहदे क्वेश्चन पेपर च बहुत पूछे गए, ईवन पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया है। Fe प्लस Cu। हुण देखो Fe उपर है ते Cu थल्ले है, इहदा मतलब Fe उपर है, Fe ज़्यादा ताकतवर है, वो Cu नूं ओहदी जगह तो की कर देगा, हटा देगा। तो तुहाडे को की बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है बेटा, किन्नी वधिया रिएक्शन ते किन्नी आसानी ना हो गई। जे तुहानूं ये आंदा है ना तो कोई भी रिएक्शन आ जाए तुसी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, सनी लियोनी पादुकन है, सोना चांदी हनी चवन प्राश। ठीक है बेटा, जिहड़ा तुहानूं पता ही है कि जिद्दां हुण आपां गोल्ड दे ते सिल्वर दे आपां की पा लैंदे आ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਅਧਾਤ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੇਮ ਦਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲ which is liquid at room temperature। ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਅਧਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਅਧਾਤ? तरल अवस्था वाली। अद्या ने तो जी मरकरी कर आना, ओ मैम मरकरी आ गया। नो, अधात पूछी है, मरकरी धात है, मैटल है जी मरकरी, ठीक है। हुण कार्बन तुहानूं सारिआं नूं पता है नहीं है, हीलीयम इज़ आर नोबल गैस नहीं है। हुण ऑप्शन रह गई मरकरी तो ब्रोमीन, पर मरकरी मैं की कहता धात है। सो आर सैकेंड ऑप्शन इज राइट, ब्रोमीन, जिहदा सिंबल हुंदा BR। बेटा इत्थे मैं दो गल्लां तुहानूं क्लीयर करना चाहनी हाँ, तुहानूं कन्फ्यूजन एग्जामिनर ने इच पाणी। जिहड़े बच्चे नूं तां पता है कि मरकरी मैटल है, वो तो आसानी नाल ब्रोमीन नूं टिक कर आएगा, ठीक है। हुण एक गल होर कि जे क्वेश्चन आंदा कि वो धात जो कमरे के तापमान ते द्रव अवस्था विच मिलदी है तां उहनूं आपां की कहने आ, मरकरी, ठीक है। हुण होर एक गल, एक क्वेश्चन होर आंदा कि वो धात जिहड़ी थर्मामीटर विच मिलती है तो उदों भी आंसर मरकरी आता, ठीक है। नाउ आवर नैक्सट क्वेश्चन इज धातां नूं कुट के पतलियां चादरां बनाईयां जा सकदियां। बेटा आ नोट करनी गल तुसीं, पतलियां चादरां किन्नू कुटिया जी? धातां नूं। दो कोड वर्ड्स देख लो बस किहड़े है क्वेश्चन च, उहदे अकॉर्डिंग आंसर कर दो। धातां नूं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सब तो सौखा तरीका है कि तुहानूं शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। जे तुसी ओ बाई चांस जिदा ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ लड़ी वाला क्वेश्चन आ गया तो तुसी इत्थे लिख के देखण लग पे तो फिर तो उत्थे ही तुहाडा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए शॉर्टकट्स याद करो। धातां पूछियां जी कुट के पतली चादरां च बनाईयां जा सकदियां। द अबिलिटी ऑफ मैटल्स टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स इज नोन एज खचीनयोगता, कुटीनयोगता, सोनोरस, चालकता। सारे पॉइंट्स मैं तुहाडे नाल क्लीयर करांगी बेटा। जिहड़ा हैगा है तुहाडा खचीन योगता, ठीक है। खचीन योगता मतलब तारां च, ठीक है, तारां च, वायरस च उन्हां नूं आपां करदे हां, वायरस, ठीक है। कुटीन योगता जोड़ा है वो तुहाडा आंसर है, यानी चादरांच। ठीक है, जो ऊपर लिखा है मैं नहीं लिखांगी। सोनोरस आवाज़ लाइक स्कूल बैल, चालकता जिन्हां चो इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती, सारियां मैटल्स नहीं है। पर तुहाडा आंसर की है? शीट्स पूछिया ने चादरां, तुहाडा आंसर है कुटीन योगता। जे इत्थे वायर पूछिया जांदा ते फिर की आना सी? डक्टिलिटी, यानी खचीन योगता। ठीक है, इत्थे आपां एग्जाम्पल कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है किहड़े धात नूं असीं आसानी नाल वायर च, तो तुहाडे घर च बहुत वधिया एग्जाम्पल है कॉपर, सारियां वायरस ही तांबे दीआं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। धातां किस तरह के ऑक्साइड उत्पन्न करदियां हन? Which type of oxides are generated by metals? तेजाबी, खारी, उदासीन, सारे ही। एक गल मेरी याद रखियो, ऑक्साइड्स पूछे है जो मैं अपना लैसन शुरू किया, अज का पहला डिफरेंस ये पढ़िया सी मैं। धातां इदा की मैमरी होनी चाहिए तुहाडी, चलो असी तो लैसन नूं दो वारी देखिया है तो सानूं याद है, पर तुहाडी मैमरी इदा की होनी चाहिए कि पहले क्वेश्चन चो आया तो असी उहनूं इदा रिलेट करना है। बेटा जिदा हुण तुसीं देखो सोडियम तुहाडी बहुत वधिया धात है, ठीक है, इतों याद कर लो आ की बनांदी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड बनांदी है तो तुहानूं पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की हुंदा है? बेस, यानी खार, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हुंदा है? बेस। इहदा मतलब जिहड़े धातां है वो खारी बनांदियां हन। तुहानूं कन्फ्यूजन इत्थे होनी है तेजाबी ते उदासीन, ठीक है, ते सारे ही नहीं बनांदियां, सिर्फ बेस बनांदियां। धातां किस तरह के ऑक्साइड उत्पन्न करदियां हैं? ऑक्साइड्स है तो मैटल्स है, दो कोड वर्ड्स है, उसके हिसाब नाल तुहाडा आंसर आ गया जी खारी, बेसिस। क्वेश्चन 4, एलमीनियम उत्ते ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाउण दी प्रक्रिया नूं की कहंदे हन? द प्रोसैस इन विच थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, पहला कोड वर्ड है साडा जी थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड। किदे ते प्लेट कीती असी? एलमीनियम ते। ऑप्शन दित्तियां एडोनीकरण, एडोनाइजिंग जिन्हों आपां कहने आ, भुन्नन, रोस्टिंग, भस्मीकरण, कैल्सीनेशन ते कोई नहीं। बेटा भस्मीकरण ते भुन्नन नहीं है, साडा आंसर है एनोडाइजिंग। ये मैं तुहानूं बिल्कुल पूरी तरह एक्सप्लेन करदी हां हुण एनोडाइजिंग का की मतलब है। बेटा मेरी गल सुनो, भुन्नन ते जिहड़ा भस्मीकरण है मैं तुहाडा अगला एक क्वेश्चन लिआओ च एक्सप्लेन करांगी। फिलहाल हुण मैं तुहाडे नाल एनोडीकरण की गल करदी हां। एनोडीकरण दे विच इह हुंदा है कि असीं अलमीनीयम उत्ते ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाउण दी प्रक्रिया हुंदी है। बेसिकली ये जदों अलमीनीयम हवा के संपर्क विच आउंदा है तो उस उत्ते अलमीनीयम ऑक्साइड की पतली अते सख्त तह जम जाती है। पहले एयर के कॉन्टैक्ट च आया तो इत्थे पतली लेयर जिहड़ी ओह जम जाती है, पर जिहड़ी अलमीनीयम ऑक्साइड की परत अलमीनीयम नूं खुरन तों बचाउंदी है। अते इस परत नूं वधेरे मोटा करन लई असीं की करदे हां कि असीं अलमीनीयम नूं खोर तों वधेरे सुरक्षित बनाउण लई एक साफ वस्तु नूं एनोड बना के पतले सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब दे नाल बिजलई अपघटन कर दिंदे आ। ठीक है ना, जिदे करके जिहड़ी लेयर है उत्ते ओह होर मोटी हो जाती है। वह फिर की करती है, इस ऑक्साइड की परत नूं आसानी नाल रंग करके अलमीनीयम दीआं वस्तुआं नूं आपां दिल खिचवी जिहड़ी है वह देख दे दिंदे आ, जिदे करके एक तां साडा अलमीनीयम बचिया रहिंदा है, एक साडा होर परपस सॉल्व हो जांदा है कि चीज़ां नूं मतलब सोहना बनाउण दा। ठीक है, यदा मतलब ये प्रोसैस केड़ा एनोडाइजिंग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की गल करते हैं। केड़ा प्रतिक्रियाशील तरल जिन्होंने इंग्लिश आपां रीएजेंट कहने आ, केड़ा प्रतिक्रियाशील तरल गोल्ड अते प्लैटिनम नूं अपने विच घोल लैंदा है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड नहीं जी, एक्वा रिजिया थोड़ा थोड़ा लगता जी, जिंक ऑक्साइड नहीं जी, इन्हां विचों कोई नहीं। बेटा तो तुहाडा आंसर है एक्वा रिजिया। इन्ना स्ट्रोंग रीएजेंट है, इसकी कंपोजिशन की होंगी है 3/1। 3/1 की तीन पार्ट्स इच होंगे HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो एक पार्ट होंगे HNO3 का, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, इन्ना क स्ट्रोंग रीएजेंट यह होंगे कि गोल्ड तो प्लैटिनम नूं यह अपने विच की कर लैंदा है, अपने विच घोल लैंदा है। बेटा इनू रॉयल वाटर भी कहने आ, याद रखना है, कई बार ऑप्शनस च रॉयल वाटर आ जाता है। ठीक है, लिखना एक बार तुहाडे लई ताकि तुसी कॉपियां च नोट कर लो। रॉयल वाटर पूछ लेंदे ना, एक्वा रिजिया ना होया तो तुसी क्या हाय सानूं तां मैडम ने कराया ही नहीं। बेटा रॉयल वाटर कह दिंदे आ। इहदे अनुपात विच हाइड्रोक्लोरिक तेजाब अते गाढ़े नाइट्रिक एसिड दा तेजाब मिश्रण हुंदा है। इह गोल्ड नूं अपने विच घोल लैंदा है, जदों कि दोहां विचों इकल्लियां किसी तेजाब विच समर्था नहीं हुंदी, पर जदों दोनों रल जांदे इह की करदे जी सोने नूं अपने च घोल लैंदे हन। अगला क्वेश्चन लवांगे, बहुत ईजी क्वेश्चन। किहड़ी अधात बिजली दी सुचालक हुंदी है? मैं तुहानूं कहा ना तुहानूं पेपर च एक्सेप्शनस पूछनी है। अधात पूछ लिया तो बिजली दी सुचालक हुंदी है। सल्फर नहीं हुंदा जी, ऑक्सीजन नहीं हुंदा जी, सब तो इंपोर्टेंट ग्रेफाइट। बेटा कार्बन ना जिहड़ा हुंदा है उहदियां दो टाइप्स हुंदियां, डायमंड ते ग्रेफाइट। डायमंड दी ये खासियत है कि वह सब तो कठोर हुंदा है, तो ग्रेफाइट दी ये खासियत है कि वो जिहड़ा है तुहाडे चो वह अपने चो बिजली पास करता है। इहदी बहुत वधिया एग्जाम्पल है तुहाडे पेंसिल दे सिक्के, ठीक है जी, पेंसिल दे सिक्के। तो एक गल मैं इत्थे होर कहांगी तुहानूं, आयोडीन उदों लिखना जी जदों पूछा जाए किहड़ी अधात जिहड़ी ओह शाइन करती है, लस्ट्रस हुंदी है, तो उदों आयोडीन आंसर आना। ठीक है, अगे गल करांगे 7वें क्वेश्चन दी। वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे ना इस क्वेश्चन च कन्फ्यूज़ बड़े रहिंदे जी। मैडम मैं तुहानूं कहा सी मैं रोस्टिंग ते कैल्सीनेशन अगले क्वेश्चन च लवांगी। मैडम जी रोस्टिंग की हुंदा, मैडम नहीं समझ आया, मैडम पता ही नहीं लगदा। सल्फाइड कच्ची धात नूं ज़्यादा हवा दी होंद, ज़्यादा मतलब प्रेजेंस है ना, ज़्यादा मतलब आ देखो मैं हाईलाइट करता सी पहले ही, विच उच्चे तापमान दे गर्म करन लई ये ऑक्साइड विच परिवर्तित हो जाती है। इस किरिया नूं की कहंदे हन बेटा जी? उहनूं प्रेजेंस ऑफ एयर च आपां हीट करदे हां, ते उहनूं की कहंदे हां? रोस्टिंग कहंदे हां, कैल्सीनेशन कहंदे, एक्सट्रैक्शन तो नहीं कवांगे जी, निष्कर्षण कड्ढण नूं, ते संघनतापंत नूं भी नहीं कवांगे, एनरिचमेंट नूं। हुण भुन्नण ते भस्मीकरण नूं आपां करना। एक गल तुहानूं याद करावां, तुहाडे घरां च हुंदा एसी, की हुंदा तुहाडे घरां च एसी। एसी तो याद रखो एब्सेंस, एसी तो याद रखो एब्सेंस, ते सी तो याद रखो कैल्सीनेशन। एक याद हो गया, एक याद हो गया ना कि एसी मीन्स कि एब्सेंस कैल्सीनेशन, ते रोस्टिंग मतलब प्रेफर। इहदा मतलब साडा आंसर की है? भुन्नण। एक गल होर यार, इत्थों तुसीं याद किदां कर सकदे हो बेटा? देखो ध्यान नाल कि ये जिहड़ा भुन्नण है ना, भुन्नण का मतलब की है? भुन्नण मतलब प्रेजेंस होएगी किसी चीज़ की, तो ही भुन्नोगे। थोड़ा उत्थों भी तुसी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो भस्मीकरण का तो मैं तुहानूं कोड ही दसता, ए सी एबसेंस च कैल्सीनेशन ते प्रेजेंस च पी आर। अजकल बाहर बहुत कनेडा कनूडा जाने की गल करते हो, तो पी आर ही लगती है, पी आर मतलब प्रेजेंस च रोस्टिंग। ठीक, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड है 8th क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड किस तरह का यौगिक है? बेटा सब तो पहले तो मैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखांगी। थोड़ा तो मैं तुम्हें बना के दसा सोडियम क्लोराइड, वैसे तो तुम्हें आता होना, तुम बहुत इंटैलीजेंट हो, सारे बच्चे मैरिटोरियसली अपीयर हो रहे हो, पर चलो थोड़ा जहाँ मैं तुम्हें दसती हाँ। जिदा सोडियम है यदि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन होंगी 11 2 8 1, ये बाहरले च हैगा 1 इलैक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, जे 1 इलैक्ट्रॉन किसी को दे दिंदा तो स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन हैगा जी साढ़े को 2 8 7, ठीक है 17। जे क्लोरीन 1 इलैक्ट्रॉन गेन कर लेंदा तो यह स्टेबल हो जाता है। ये सोडियम की करता अपना 1 इलैक्ट्रॉन इनू दे दिंदा ते आप दे के जी कहता कि भी मैं तो बहुत बड़ा दान करता जी, मेरे ते दे दो पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन कहता जी मैं तो किसी का ले लिया सान, तो मेरे ते दे दो नैगेटिव चार्ज। ठीक है ना, पहले भी मैं गल की सी धातां पॉजिटिव बनांदियां ने, धनात्मक। ठीक है, हुण देखो सह संयोजक बंधन हुंदा शेयरिंग दे नाल, मैटल तो है ही नहीं, मैटल कल्ली सोडियम है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव भी गलत हो गया, तो आंसर की आ गया? आयनिक यौगिक, जिन्हों आपां आयनिक कंपाउंड कहने। ठीक है बेटा, क्यों आयनिक कंपाउंड आ गया? आयन्स फॉर्म हो गए, आ हो गया धनात्मक, आ हो गया ऋणात्मक। ठीक है ना, इसलिए साडा आंसर की आ गया? आयनी यौगिक। अगली गल करांगे, भारा धात दी मिश्रत धातां नूं की कहंदे आ? बेटा मिश्रत धात नूं इंग्लिश च अलॉयज कहंदे आ, पारे नूं इंग्लिश च मरकरी कहने आ। ठीक है, की कहने आपां पारे दी मिश्रत धातां नूं? अमैलगम, समंगी, बॉक्साइड, इन्हां विचों कोई नहीं। बेटा अमलगम कहने आपां, अमलगम। ठीक है, जिहदे च 1 मरकरी है ना, उन्हां नूं आपां अमलगम कहने आ। कि 1 धात मरकरी दी है, 1 मरकरी धात है, बाकी जिहड़ी मर्जी होवे उहनूं आपां अमलगम कहने आ। ठीक है, एक गल इत्थे होर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहनी, बॉक्साइड ना अलमीनीयम दा ओर हुंदा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओर ऑफ अलमीनीयम हुंदा ना, कच्ची धात जिहनूं आपां कह दिंने आ, ते ओर ऑफ अलमीनीयम हुंदा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जिन्ना थल्लियां चो इत्थे क्वेश्चन उत्ते आ जाए कि इन्हां विचों अलमीनीयम दी कच्ची धात किहड़ी है। चलो अगे गल करदे हां, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग इन द एयर, जिहनूं आपां कहने कॉपर दीयां वस्तुआं खुली हवा विच रखण नाल हरे रंग दीयां क्यों हो जांदियां ने? पहली गल करांगे कॉपर ऑक्साइड, दूजी करांगे कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्लोराइड ते कॉपर नाइट्रेट। बेटा जदों इहदी ग्रीन कलर की कोटिंग हुंदी है, ना ये कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करके हुंदा, ना क्लोराइड करके, ना नाइट्रेट करके, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म करके हुंदा। ठीक है बेटा, याद रखना है कि जिदा लोहे में जंग लगता है तो भुरा हो जाता है। कॉपर हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। की बन जाता है बेटा? कॉपर कार्बोनेट। वैरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे बारे दसना चाहांगी। कॉपर हवा विचली सिल्ली कार्बन डाइऑक्साइड नाल प्रतिक्रिया करता है, जिस करके इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक हौली हौली खत्म हो जाती है तो इस उत्ते हरे रंग की परत जम जाती। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉपर की जे चमक खत्म होकर उस उत्ते किहड़े रंग की परत जम जाती है, तो तुहाडा उत्तर उत्ते ग्रीन आएगा। ठीक है, ये हरे रंग की परत पदार्थ कॉपर कार्बोनेट हुंदा है। नैक्सट आवर 11th क्वेश्चन इज इन गैल्वेनाइजेशन विच मैटल इज कोटेड ऑन आयरन। गैल्वेनीकरत विच लोहे उत्ते किस परत नूं चढ़ाया जाता है? बेटा निकल नूं नहीं चढ़ाया जाता, कॉपर नूं नहीं चढ़ाया जाता। नन ऑफ अबव। आंसर इज योर जिंक। जिंक दी ना आपां मैटल नूं लोहे नूं ना आपां जंग तो बचाने लई जिंक दी परत उहदे उत्ते चढ़ा दिंदे आ ते इस प्रोसैस नूं आपां गैल्वेनाइजेशन कहंदे आ। नाउ 12th सिनेबार किस दी कच्ची धात है? वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिनेबार है जिहड़ी उह किस दी कच्ची धात है बेटा। ते जिहड़ी सिनेबार है उह हैगी है साढ़े को, तुहानूं पता है किहदी कच्ची धात है सिनेबार? दसो भी सिनेबार किस दी कच्ची धात है? सिनेबार मरकरी दी कच्ची धात है। ठीक है, सिनेबार मरकरी दी कच्ची धात है। ठीक है, सोडियम दी नहीं है, पोटाशियम दी नहीं है, अलमीनियम दी नहीं है और मरकरी बेटा HG दे। HG जिहड़ा इंपॉर्टेंट है, HG दे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। HG का जिदा मैं पहला क्वेश्चन तुहानूं दस्सिया सी कि आ जाता है कि किहड़ी धात जिहड़ी है ਉਹ ਇਹਦਾ फॉर्मूला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ HGS सिनेबार ਦਾ, है ना। सल्फर ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਕਰੀ ਦੇ, ठीक है ना। ਮਰਕਰੀ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਇਜ਼ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਧਾਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, है ना, ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਨੇਬਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਹੈ। ठीक है, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ बेटा, खनिज नहीं कहते, यौगिक नहीं कहते, ऑक्साइड नहीं कहते, गैंग्यू कहते, गैंग। ठीक है, द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। जेडे जो आप धरती तो जोड़ा कच्ची धात करते हैं ना, उहदे नाल मिट्टी रेत आदि मिलिया होंदियां हन जिन्होंने असीं गैंग आखते हैं। ठीक है, ये जिहड़ियां ना धातां ते निष्कर्षण तो पहले ये कच्ची धात चों ना अशुद्धियां हटाना जरूरी हुंदा है। कच्ची धात तो गैंग नूं वख करन लई जिहड़ियां प्रक्रियावां असीं वरतदे आ ना, कच्ची धात ते गैंग के भौतिक ते रसायनिक गुणों से आधारित होंदियां कि केड़ी क्रिया दे नाल आ जिहड़ी गैंग नाल लगी उहनूं वखरा किया जाए। गैंग्यू कहने आपां इहनूं इंग्लिश। सो दिस इज़ आवर फस्ट पार्ट ऑफ धातां अते अधातां। होप करदी हां कि तुहानूं अज दा जिहड़ा मेरा टॉपिक है समझ आया होएगा। सैकेंड पार्ट्स मैं होर क्वेरीज लवांगी, कोशिश करांगी तुहानूं अलॉयज़ दा चार्ट दवां ताकि तुहानूं उत्थों ही याद हो जाए। ठीक है, थोड़ा जा आप निष्कर्षण या फिर आप कच्ची धात के निष्कर्षण के जोड़े स्टैप है उन्होंने मैं थोड़ा जा टाइम लावांगी, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर चो जोड़े 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन आने हैं। वो आना है धाता धाता, फिर आना क्रियाशीलता लड़ी ते, फिर आना साडा अलॉयज़ ते, फिर साडा आना है जोड़ा आप निष्कर्षण क्रिया ते। ठीक है, होप बेटा यू पीपल इंजॉय यूअर लैक्चर तो तुहानूं समझ आया होगा कि मैं की पढ़ाया है। meet you in next lecture. Till then, goodbye.